लगातार छठे दिन 3 लाख से अधिक नए मामले, दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 35% से ऊपर। राजस्थान रॉयल्स पर टूटा मुसीबत का पहाड़, 4 दिग्गज क्रिकेटर आईपीएल से हुए बाहर। कोविड संकट पर WHO प्रमुख बोले, भारत में स्थिति हृदय विदारक। सियाचिन में हुए हिमस्खलन से हादसा, सेना के 2 जवान हुए शहीद। हिमाचल में 3 मई से हड़ताल पर जाएंगे निजी बस संचालक। आम आदमी को मिली बड़ी राहत, पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर लगा ब्रेक। सत्य नडेला और सुंदर पिचाई ने भारत में COVID-19 की मौजूदा स्थिति पर जताई चिंता, मदद का दिया वादा। भारत में कोरोना के उत्पाद के बीच UK से पहुंची मदद, भेजे गए 100 वेंटिलेटर। वैक्सीन को लेकर हुई मीटिंग में PM ने मास्क नहीं पहना तो 14,270 रुपए का फाइन वसूला, थाईलैंड का मामला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021 में 5,000 क्लर्क पदों की भर्ती सूचना भारतीय स्टेट बैंक ने जारी की। हरिद्वार महाकुंभ 2021 ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हुआ अंतिम शाही स्नान, बेहद कम संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। कोरोना का कहर, दिल्ली और हैदराबाद को लगेगा बहुत बड़ा झटका, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ के ऑस्ट्रेलिया लौटने की आशंका। योगी सरकार हुई सख्त, ऑक्सीजन की कमी की झूठी जानकारी देने वाले अस्पतालों पर चलेगा चापू। विराट कोहली के सामने होंगे ऋषभ पंत, जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी RCB। सोने चांदी में आज क्या होगा, फेडरल रिजर्व की बैठक पर रहेगी नजर। जोधपुर मंत्री ने बुजुर्ग महिला से कहा, नारियल चढ़ा देना, बाकी बालाजी सब ठीक कर देंगे, शुरू हुई सियासत। देश में बिगड़े हालात पर आखिर कैसे काबू पाया जाएगा, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के नेशनल प्लान पर सुनवाई होगी। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटों में 380 की मौत, संक्रमण दर 35% पार। IIT के वैज्ञानिकों के नए मॉडल के अनुसार भारत में 14 से 18 मई के बीच कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 38 से 48 लाख तक हो सकती है। महाराष्ट्र और असम में 1 मई से टीकाकरण शुरू होने की संभावना नहीं, 5 राज्य पहले ही कर चुके हैं इनकार।